उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार में उच्च शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना एवं निर्देशन में बिहार में कई उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो चुकी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वानिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास हेतु वानिकी महाविद्यालय मुंगेर की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई। दिनांक 25 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का शिलान्यास किया गया। वानिकी महाविद्यालय पूरे बिहार में अनोखा है। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में कुछ नहीं था। इसके बारे में शिक्षा भी होना चाहिए, इसके बारे में अनुसंधान भी निरंतर चलते रहना चाहिए। और मुंगेर एक बहुत सुंदर जगह, ये जहाँ पर अब महाविद्यालय बन रहा है उसके पृष्ठभूमि को देखिएगा, बहुत सुंदर पृष्ठभूमि और बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सिर्फ लोग पढ़ेंगे या बिहार के लोग नहीं आएंगे, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा वानिकी महाविद्यालय इतना सुंदर और इतना अच्छा बने कि देश भर के लोग आकर के इसको देखें, मुंगेर के वानिकी महाविद्यालय। ये राज्य का पहला एवं देश का सिर्फ दूसरा वानिकी महाविद्यालय है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का परिसर 43.81 एकड़ में फैला है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 105 करोड़ की है। परिसर में अवस्थित भवनों का कुल निर्मित क्षेत्र 3,16,806 वर्ग फीट है। भवनों का निर्माण भूकंप जोन 5 तथा ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार किया गया है। इसमें लाल ईंट के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया गया है। वर्षा जल संचयन हेतु रिचार्ज पिट के साथ ही एक खुली झील का भी निर्माण किया गया है तथा रोशनी हेतु सोलर लाइट की भी व्यवस्था है। परिसर के मध्य में शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया है जिसका निर्मित क्षेत्र 67,411 वर्ग फीट है। इस भवन में क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सेमिनार हॉल के अलावा प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित है। शैक्षणिक विषयों से जुड़े सेमिनार एवं सिंपोजियम के आयोजनों हेतु परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 300 क्षमता के प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया है। इसमें आधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परिसर में ही एक आकर्षक ओपन एयर थिएटर का निर्माण भी किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद हेतु परिसर में एक खेल का मैदान है। छात्र छात्राओं के परिसर में ही आवासन हेतु 170 बेड के बालक एवं 60 बेड के बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के शिक्षण कार्य के साथ साथ कृषकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। कृषकों के सुगम प्रशिक्षण हेतु परिसर में 30 बेड के कृषक छात्रावास का निर्माण किया गया है। परिसर में अन्य शिक्षण संस्थानों से आने वाले विशेषज्ञों के आवासन हेतु एक आधुनिक गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है जिसमें 2 स्वीट रूम एवं 6 वातानुकूलित कमरे हैं। महाविद्यालय में शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से परिसर में ही डीन का आवास तथा शिक्षकों के लिए ए टाइप 24 क्वार्टर, बी टाइप 16 क्वार्टर, सी टाइप 24 क्वार्टर, डी टाइप 24 क्वार्टर एवं ई टाइप 24 क्वार्टर, कुल 112 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वानिकी तथा वन उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक शोध कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाने, वानिकी विषय में शिक्षा की बेहतर सुविधा राज्य में उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय में संबंधित विषयों का पठन पाठन कराया जाएगा। महाविद्यालय के सफल संचालन के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हेतु कुल 204 पदों का सृजन किया गया है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को संचालित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के गहन अनुश्रवण में गंगा नदी के समीप एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी दिशा में निर्मित वानिकी महाविद्यालय परिसर की वास्तुकला अत्यंत ही दर्शनीय है। मुंगेर का वानिकी महाविद्यालय पूरे बिहार में अनोखा है। इससे सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में वानिकी को बढ़ावा मिलेगा।